वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, मेरे वाले जैसे को क्या हाल चाल मेरे भाइयों। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास है दोस्तों मेरी वाली ओला S1X+, ठीक है। तो दोस्तों इसकी आज आपको ना पूरी बिल्कुल आपको न्यू रिव्यू देंगे, ठीक है। मतलब गाड़ी अभी कैसे चल रही है, क्या हो रही है, सारे कुछ। तो अभी अगर बात करें ना दोस्तों गाड़ी की किलोमीटर की, मतलब सॉरी स्कूटी की अगर किलोमीटर की बात करें ना, तो अभी प्रॉपर जो किलोमीटर है ना 3000 अप्रोक्स चली गई है, 3000+, ठीक है। और प्लस इसमें जो है ना दोस्तों अभी मूव OS4 की अपडेट आ गई है, तो वो भी अपडेट मैंने कर ली थी। तो उसमें दो अपडेट उसमें आई है। पहले तो सारी कुछ यहाँ पे दिखती थी आपको, किलोमीटर, ट्रिप, रेंज और बैटरी, और यहाँ पे आपकी इको और स्पीडोमीटर ये वाली। अभी करंट में जो अपडेट है ना वो यहाँ पे आपको नहीं मिले। जैसे ही आप मूव OS4 में जैसे ही आप अपडेट देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ना टाइमिंग दिखेगी कॉर्नर में, और जैसे ही आप चार्जिंग में लगाएंगे ना अपनी स्कूटी को, तो चार्जिंग के समय यहाँ पे आपको जो है ना आप कितने देर में वो मतलब 100% चार्ज हो जाएगी वो यहाँ पे सोक इंडिकेट करेगी। तो ये दो नई अपडेट है। और ओला ने बोली थी कि ओला के जो है ना फाउंडर, उन्होंने बोला था कि जैसे ही मूव OS4 अपडेट हो जाएगी ना, तो आगे जो है ना दोस्तों जो स्कूटी है वो हैंग नहीं करेगी, मतलब आपकी स्क्रीन। तो उन्होंने गलत बोला है, मूव OS4 आने के बाद भी ये वाली जो है ना प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ये भी कभी कभी लैग करती है। तो ये तो सॉल्व नहीं है दोस्तों इस पर कंपनी को फिर से काम करनी होगी। उसके साथ अगर आप कोई भी नई ओला स्कूटी अभी करंट में आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रहेगी ना करंट में, वो आपकी 80,000 किलोमीटर या फिर 8 साल, ये दोनों में से कोई भी आपकी एक पूरी हो जाती है ना, तब तक आपकी वारंटी आपकी रहेगी 80,000 किलोमीटर या फिर आपकी जो रहेगी 8 साल। तो ये तो बहुत तगड़ा ऑफर है अभी के लिए। तो उससे पहले जो ओला ने जो दावा की थी, उससे पहले तकरीबन जो स्कूटी जो बिकी थी वो तकरीबन 7 से 8 लाख उनके मतलब स्कूटी बिक गई थी। उससे पहले 10 लाख के आसपास आंकड़ा है, फिर भी मान के चल सकते हैं 7 से 8 लाख जो स्कूटी बिकी है वो तो थोड़े ठगे हुए महसूस करेंगे। अभी अंतर हो गई है, ठीक है। प्राइस में भी करंट में अगर बात करें प्राइस की, तो अभी आपकी 2 किलोवाट के साथ जाते हैं ना, तो आपकी जो प्राइस स्टार्टिंग हो जाएगी वो आपकी 79,000 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 79,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ऑन रोड अगर जाते हैं 91 की आएगी, उसमें उन्हें 2-3 वेरिएंट इन्होंने अपडेट करा है। एक्स है इनके पास, एक्स में 2 वेरिएंट है, एक 2 किलोवाट और एक 4 किलोवाट। 2 किलोवाट की जो प्राइस है वो आपकी है अप्रोक्स 79,000 है। और उसकी अगर प्राइस की बात करें ना ऑन रोड, तो वही है आपकी 1,01,000 के आसपास आएगी और ऑन रोड। और अगर 4 किलोवाट की बात करें ना दोस्तों, तो 4 किलोवाट की अगर प्राइस की एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड अगर आप जाते हैं तो ऑन रोड उसकी जो प्राइस है ना 1,31,000 आएगी। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। अभी इस टक्कर में अभी ना ओला की अभी कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पे दिख नहीं रही। और अगर बहुत कोई अभी अगर आप लोग, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग जैसे कि अगर स्कूटी अभी अगर आप परचेज कर लिया फिर बुकिंग कर लिया, ठीक है, तो उसको आप कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि एक्स प्लस में आपको खोलने में आपको बहुत ज़्यादा ये जो होती है ना इसकी जो पिन होती है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको, बार बार आपको 6 डिजिट की पिन डालनी होगी। और इसकी मोबाइल की अगर बात करें तो ब्लूटूथ जो है ना प्रॉपर वो हमेशा कनेक्ट नहीं रहती। आप कितने भी चाहें ब्लूटूथ को आप चाहें तो कितने भी देर के लिए आप ये रखें ऑन रखें, वो 1-2 दिन बाद ना ऑटोमेटिक वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है।
तो ये एक बहुत बड़ी ये है। ब्लूटूथ पे भी थोड़ी सी काम करनी होगी ओला को, और हैंग की प्रॉब्लम तो है ही। और जो एक्स है ना, एक्स में आपकी केवल की है उसमें आपके, ठीक है, आराम से की डालिए, ज़्यादा रेंज मिलेगी उसमें। उसमें अगर 4 किलोवाट के साथ जा रहे हैं, प्राइस लगभग लगभग सेम ही पड़ेगी। अगर 8 साल भी अगर आप रहते प्रॉपर, जो गाड़ी वो पूरी आपकी वसूल हो जाएगी, 2 से 3 सालों में ही वसूल हो जाएगी दोस्तों। 3 सालों में अप्रोक्स आप बोल सकते हैं आप कितने आपका रेंज है पर डे। 4 किलोवाट के साथ के जाते हैं आराम से आपके ना 150 किलोमीटर नॉर्मल इको मिक्स करके आप चलाएंगे ना, 150 किलोमीटर आराम से दे देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप 2 किलोवाट के साथ जाते हैं ना, तो 2 किलोवाट आपकी एक जो है वो आपकी वही 50 देगी, ठीक है ना। कंपनी 95 बोले पर 95 नहीं देगी, उसकी जो ट्रू जो रेंज रहेगी ना वो 50 किलोमीटर की रहेगी। और अगर उसके साथ आप 4 किलोवाट के साथ जाते हैं ना दोस्तों, तो 4 किलोवाट के साथ अगर आप जाते हैं 190 आप कंपनी क्लेम कर रही है ओला, पर उतनी नहीं देगी। ट्रू रेंज आपकी 140 से 150 आराम से दे देगी, क्योंकि उसमें आपको हाइपर नहीं है, 90 हाइपर आप यूज नहीं करेंगे, बैटरी की जो है ना खपत वो बहुत कम रहेगी, आराम से आपकी 140 दे देगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी अगर आप बुक कर लिया ना एक्स प्लस, तो हो सके तभी आप कैंसिल कर दीजिए, आराम से थोड़ी देर आप वेट कीजिए, हो सकता है कि एक्स में भी आपको ऑफ़र दे दे 4 किलोवाट में और प्राइस, क्योंकि इनकी जो खुद की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, इनकी खुद की है, ठीक है, खुद से बैटरी बना रहे हैं, तो इनको कम प्राइस पड़ रही है, वहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं, कम प्राइस में आ रही है, इसीलिए आपको ये ऑफ़र पूरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी ऑफ़र आपको मिल रही है। तो हो सके तो कुछ दिन आप रुक जाइए दोस्तों, उसके बाद ही आप परचेज़ कीजिए। आप अगर अभी आप बुकिंग कर लिए हैं, हो सके तो उसको कैंसिल कीजिए और अवॉइड कीजिए अभी 2 महीने के लिए, कम से कम 1 से 2 महीना बस केवल रुक जाइए, उसके बाद हो सकता है और एक्स की जो प्राइस है ना 10-20 हज़ार और डिस्काउंट हो जाए 4 किलोवाट के साथ आराम से, क्योंकि ये बहुत तगड़े ऑफ़र लेके आ रही है ओला अभी, करेंट में क्या अपडेट रहती है। एक्स के साथ अगर जाना चाहते हैं, थोड़ी कम फीचर्स और रेंज ज़्यादा चाह रहे हैं, तो एक्स जो है ना आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी। अगर अभी करंट में अगर लॉन्च हुई होती ना दोस्तों, तो मैं तो एक्स ही लेता, एक्स प्लस नहीं लेता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।